हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे जेम्स गन, उन्होंने इस मूवी की स्टोरी भी लिखी थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस मूवी में ईगो द लिविंग प्लैनेट को दिखाएंगे, लेकिन मार्वल वालों ने इस बात के लिए मंजूरी नहीं दी क्योंकि ईगो द लिविंग प्लैनेट के राइट 20th सेंचुरी फॉक्स के पास है। और फिर डायरेक्टर जेम्स गन ने 20th सेंचुरी फॉक्स से बात करी और 20th सेंचुरी फॉक्स ईगो द लिविंग प्लैनेट के राइट शेयर करने के लिए मान गया, लेकिन बदले में 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक शर्त रखी थी कि हमें डेडपूल मूवी में एक करेक्टर दिखाया गया था जिसका नाम था नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, तो कॉमिक्स में नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड के आसपास जितने भी करेक्टर हैं 20th सेंचुरी फॉक्स ने उसके राइट मांगे थे और मार्वल वाले इसके लिए राजी हो गए। और इस तरह हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ईगो दिखाया गया और वहीं हमें डेडपूल 2 में नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड के आसपास जितने भी करेक्टर थे वो दिखाए गए। इस मूवी में ईगो के रोल के लिए कई सारे एक्टर का नाम सामने आया था और उसमें से कुछ बड़े एक्टर थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, लियम नीसन, गैरी ओल्डमैन और ब्रूस विलिस, लेकिन फाइनली ये रोल मिल गया कर्ट रसल को। इस मूवी के पास्ट वाले सीन में ईगो जो कार चला रहा होता है उस कार का नाम होता है फोर्ड मस्टैंग किंग कोबरा और ये कार 1978 के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। इससे पहले आई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 जिसमें हमने स्टार लॉर्ड को सोनी वॉकमैन कंपनी के हेडफोन यूज़ करते हुए देखा था। तो जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब उस सोनी वॉकमैन कंपनी के हेडफोन को ढूंढा गया, लेकिन वो हेडफोन टूट चुका था। तो इस मूवी के मेकर्स ने सोनी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया कि अगर उनके पास ऐसा कोई हेडफोन है तो उन्हें दे दे ताकि वो इस मूवी की शूटिंग कम्प्लीट कर सके, लेकिन सोनी कंपनी के पास भी ये सारे हेडफोन खत्म हो चुके थे क्योंकि सोनी वॉकमैन कंपनी का ये हेडफोन 90s के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था और ये हेडफोन तभी मिला करता है और अभी हेडफोन बिल्कुल भी नहीं मिला करता है, जिसके चक्कर में इस मूवी के मेकर्स ने एक अलग ही हेडफोन बनाया था क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी मूवी बना सकते हैं तो एक हेडफोन तो बना ही सकते हैं जो कि सेम टू सेम सोनी वॉकमैन के हेडफोन की तरह लगे। इस मूवी में नेबुला के मेकअप के लिए करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता था और वहीं अगर हम बात करें टीजर फेस की तो टीजर फेस के मेकअप के लिए करीब 2 से 3 घंटे का मेकअप लगता था और अगर हम यहाँ बात करें ड्रैक्स की तो ड्रैक्स के मेकअप के लिए 1.5 घंटे का टाइम लगता था। इस मूवी में स्टार लॉर्ड की मदर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने इससे पहले मार्वल की एक और मूवी में काम किया था जिसका नाम था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जिसमें उन्होंने कैप्टन अमेरिका की एक फैन का रोल प्ले किया था जो कि कैप्टन अमेरिका से ऑटोग्राफ मांगती है। पहले इस मूवी में हमें दिखाया जाने वाला था कि मेंटस अर्थ से बिलोंग करती है और वो एक ह्यूमन है और बाद में उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे उसे पावर मिलती है, लेकिन इस मूवी के जो डायरेक्टर थे जेम्स गन, उन्होंने इसे चेंज कर दिया क्योंकि अगर हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी मेंबर पे ध्यान दें तो उसमें से कोई भी अर्थ से बिलोंग नहीं करता सिवाय एक को छोड़ के जिसका नाम है स्टार लॉर्ड जो कि आधा ह्यूमन है और वो अर्थ से बिलोंग करता है। तो इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ये चाहते थे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स में सिर्फ अकेला स्टार लॉर्ड ही ऐसा हो जो कि अर्थ से बिलोंग करे और इसी के चक्कर में उन्होंने मेंटस का ओरिजिन चेंज कर दिया था। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट ने बताया था कि उनके लिए सबसे मुश्किल काम था ईगो द लिविंग प्लैनेट को दिखाना क्योंकि इसे दिखाने के लिए उन्हें छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देना पड़ता था, जिसके चक्कर में ईगो द लिविंग प्लैनेट को दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पहले हमें इस मूवी में एडम वॉर्लो को भी दिखाया जाने वाला था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया और एडम वॉर्लो को इस मूवी में नहीं दिखाया गया क्योंकि पहले से ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर हो गए थे, तो अगर एक और कैरेक्टर को नहीं भी दिखाया जाता तो भी चलता, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने एडम वॉर्लो को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए बचा लिया क्योंकि इस मूवी के दौरान हम एक ककून देखते हैं जिसके अंदर है एडम वॉर्लो, यानी कि आने वाली एमसीयू की मूवी में हमें एडम वॉर्लो दिखने वाला है और उस मूवी का नाम होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।